सुस्वागतम नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम सलाम प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में आपके खिदमत में उपस्थित हो गया है सी नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो है 28 अगस्त के, जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज के सुविचार, आज का सवाल और उसका जवाब वीडियो के अंत में, तो सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आज की पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले ये रहे दो सुविचार, छोटे छोटे सुविचार। पहला सुविचार ये है कि समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। जी हाँ बहन भाइयों, फिर एक बार, समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। दूसरा सुविचार, नेकी करने से दिल को आराम और खुशी हासिल होती है और बुराई करने से दिल में दर्द और तकलीफ होती है। फिर एक बार ये आज का दूसरा सुविचार, नेकी करने से दिल को आराम और खुशी हासिल होती है और बुराई करने से दिल में दर्द और तकलीफ होती है। बहनों भाइयों, तो बुराई ना करें, नेकी करते जाइए, है ना। तो चलिए अब आज का सवाल, यह है कि कौन सा जीव ऐसा है जिसके 10 नहीं 20 नहीं पूरे 486 पैर होते हैं। जी हाँ बहनों भाइयों, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 486 पैर होते हैं, 486। तो सोचिए भाई बहनों भाइयों, और ये बहुत ही बढ़िया प्राणी जिसका नाम हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे, तब तक आप वीडियो पर लगे रहें, अंत तक इस वीडियो को देखते रहें, अंत में इसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए बहनों भाइयों, अब आज के दिन की ओर चलते हैं, दिन विशेष की ओर चलते हैं, और आज तो है इटली का राष्ट्रीय रेड वाइन दिन, रेड वाइन दिन। जी हाँ, 1993 से इस दिन की शुरुआत हुई थी इटली में, तो इटली का ये दिन है। चलिए मैंने भाई, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय रहे और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें ये रहे 28 अगस्त के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 1845 में साइंटिफिक अमेरिकी मासिक का मैगजीन का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1916 में पहला महायुद्ध जारी था, जिसमें जर्मनी ने रोमानिया के खिलाफ युद्ध घोषित किया, तो इसी साल इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया। 1931 में फ्रांस और सोवियत यूनियन इनके बीच शस्त्र संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1937 में 37 टोयोटा मोटर्स यह स्वतंत्र कंपनी बनी। 1990 इराक ने कुवैत, यह हमारा ही अपना ही प्रांत है, ऐसा घोषित किया। 1904 में कलकत्ता और बराकपुर के दरमियान पहली कार रैली का आयोजन किया गया। 1986 में चेस प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला भाग्यश्री साठे रही। 1992 में श्रीलंकन क्रिकेट खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट मैच में पहली बार अपना आगमन किया। 1600 में मुगलों का अहमदनगर पर कब्जा। 1821 पेरू देश स्पेन से आज़ाद हुआ। और आज ही के दिन इसे राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया पेरू देश में। 1956 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एशेज पर कब्जा किया। 1972 साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल पारित किया गया। 2000 में संयुक्त राष्ट्र में सहस्राब्दी विश्व धार्मिक शिखर सम्मेलन, इसकी शुरुआत हुई। 2008 में
रिजर्व बैंक ने 1999-2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय लिया। 2008 में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स इस फोर्ब्स मैगजीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इनका नाम शामिल किया। 2011 में माओवादी नेता डॉक्टर बाबूराम भट्टराई तराई के मधेसी गठबंधन के समर्थन से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। 2017 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो ये हुए आज के दिन विशेष के ऐतिहासिक घटनाएं, यानी 28 अगस्त के ऐतिहासिक घटनाएं। अब जन्मदिन, जर्मन महाकवि कलाकार योहान वुल्फगंग गटे 1749, उर्दू शायर रघुपति सहाय तथा दूसरा नाम इनका फिराक गोरखपुरी 1896, नाट्य चित्र अभिनेता चिंतामणि गोविंद तथा मामा पेंडसे 1906, मराठी संगीतकार राम कदम 1918, भारतीय पदार्थ वैज्ञानिक एम जी के मेनन 1928, प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान 1928, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षा सुजाता मनोहर 1934, कनाडा के प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन 1938, भारतीय इंग्लिश अर्थशास्त्री रवि कंबूर 1954, पोकेमॉन के निर्माता सातोशी ताजीरी 1965, खासदार प्रियादत्त 1966, भोपाल रियासत की राजकुमारी और भारत की पहली वैमानिक आबिदा सुल्तान 1913, पुलिस सेवाधिकारी और गुप्तचर विभाग प्रमुख सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद्म विभूषण से सम्मानित टी वी राजेश्वर 1926, टी फॉर टेबल, वी फॉर विक्ट्री। हिंदी लेखक, कथाकार, उपन्यासकार और आलोचक राजेंद्र यादव 1929, अभिनेता प्रसन्न 1982, अभिनेता और डायरेक्टर दीपक तिजोरी 1961, अभिनेत्री निकिता शर्मा 1990, अभिनेता वरुण कपूर 1987, कवि, कादंबरीकार, म्यूजिशियन स्वर्ण कुमारी देवी 1855, लेखिका सुमित्रा नंदन की मानस कन्या सरस्वती प्रसाद 1932, भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर 1952, अभिनेत्री डिस्को शांति 1965, अभिनेत्री लता सबरवाल 1975, अभिनेत्री रेशम टिपनिस 1975, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, लेखक, कवि झवेरी चंद मेघानी 1896, कर्नाटक आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री चंद्रू, इनका नाम ही भाई मुख्यमंत्री चंद्रू 1953, शास्त्रीय गायक और पार्श्व गायक ए पी कोमला 1934, दिग्दर्शक कवि बापादित्य बंडोपाध्याय
1970, तो ये हुए आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है 28 अगस्त के, जयपुर के राजा मिर्जा राजे जय सिंह 1667, स्वतंत्रता सेनानी विचारवंत राव साहेब पटवर्धन 1969, इजिप्त के पहले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद नागूब 1984, भारतीय नागरिक सेवा सेवक और प्रशासक, भारतीय संविधान के मसूदा समिति के सदस्य एन माधवराव 1972, लोकप्रिय बंगाली लेखक, विनोदी लेखक तथा लघु कथाकार शिवराम चक्रवर्ती 1980, अभिनेत्री सुमित्रा देवी 1990, मेडेक्स कॉरपोरेशन के संस्थापक आर्थर जोन्स 1970, अमरीकी अभिनेता चैडविक बोसमन 2020, और पॉलिटिशियन लेखिका मध्य प्रदेश की राज्यपाल और माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश की आमदार सरोज कुमारी गौरीहर 2022। तो ये हुए आज के दिन विशेष। अब आज का सवाल जिसका जवाब बाकी है, सवाल यह है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके 486 पैर हैं। भाई एक नहीं दो नहीं, 486 पैर। तो इसका नाम है थ्रेड मेलीपेड। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी इन इलाकों में पार्क में रेंगता हुआ एक जीव पाया गया है, और जिसके इसके सिर बहुत ही खतरनाक दिखाई देते हैं, शिकारियों की तरह दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे थ्रेड मेलीपेड ऐसा नाम दिया है। इसका मतलब है अनेक पैरों वाले कीड़े, या तो फिर इलाक्म सोकल ऐसा भी एक नाम दिया है। तो ये तीन नाम है, तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, है ना। तो चलिए अब लेता हूँ विदा, आज की वीडियो यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, अगर आज इस चैनल पर नए हो तो। तो चलिए बहना भाई, इस उम्मीद के साथ अब आपसे लेता हूँ आज्ञा। सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, नमस्कार।